नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कटिहार जिले से निकलकर आई है और मामला बीपीएससी 67वीं पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। आपको बता दे चले कि आज हमने आपको सुबह ही बताया कि 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है। आरोपी डीएसपी रंजीत रजक के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दे चले कि डीएसपी रंजीत कुमार रजक को इसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब बड़ी खबर आई कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इससे भी बड़ी खबर कि अब उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बताते चले कि डीएसपी रंजीत रजक के घर और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के हसवर में स्थित उनका निजी मकान में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। मामला बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक का है। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा जा चुका है, कई बड़े अधिकारी पर इसका गाज भी गिरा है। इस मामले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है निकलकर, वो डीएसपी रंजीत रजक का था और उन पर कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया पूछताछ के बाद, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि डीएसपी रंजीत रजक पर बस प्रश्न पत्र लीक करने का ही मामला नहीं है। जब जो आर्थिक अपराध इकाई जब जांच कर रही थी, तो जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई लोगों को अवैध तरीके से उन्होंने नौकरी लगवाई है, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो। वो अपने जान पहचान में कई ऐसे लोग हैं, जब वो नौकरी कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने उन लोगों को नौकरी दिलाई है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। तो ऐसे लोगों को भी बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा गया था जो उनके सगे संबंधी है, उनको भी पूछताछ, वो भी जांच के दायरे में आए थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डीएसपी रंजीत कुमार रजक के कटिहार स्थित निजी मकान में छापेमारी चल रहा है और साथ ही उनका जो पेट्रोल पंप है उस पर भी छापेमारी चल रहा है। आपको बता दें कि डीएसपी रंजीत कुमार रजक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहला मामला तो बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक का है, लेकिन इसके साथ ही जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डीएसपी रंजीत रजक के कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी नौकरी लगी, उस वक्त उनकी नौकरी लगी जब डीएसपी रंजीत रजक एक अच्छे पद पे थे, जब वो नौकरी में थे, और उनके नौकरी लगने के बाद डीएसपी रंजीत रजक जब नौकरी कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कई सगे संबंधी है जिनका नौकरी लगा, लेकिन शक के दायरे में वो लोग तब आए जब ये पता चला कि डीएसपी रंजीत रजक के कई ऐसे सहयोगी हैं, कैसे सगे संबंधी है जिनका पेपर में तो बहुत अच्छा नंबर है, रिटन एग्जाम में मेंस और प्री में बहुत अच्छा नंबर था बीपीएससी में, लेकिन जो इंटरव्यू हुआ उसमें उनका नंबर काफी कम था। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए जांच के दायरे में ऐसे लोग भी आए, तो अब देखने वाली बात होगी कि डीएसपी रंजीत रजक पर तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो उनको निलंबित सस्पेंड करने की बात हो, चाहे गिरफ्तार करने की बात हो, या फिर उनके घर पर छापेमारी की बात। तो क्या सवाल ये उठता है कि उनके सगे संबंधी जो जांच के दायरे में आए हैं, क्या उन लोगों पे भी ईओयू का शिकंजा कसेगा? क्या वो लोग, उन लोगों के घर पे भी छापेमारी की जाएगी? क्या कुछ इस मामले में होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।